नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा राजस्थान के गुर्जर आंदोलन के बारे में। राजस्थान में पिछले कई सालों से, ऑलमोस्ट 13-14 सालों से, गुर्जर समुदाय रिजर्वेशन की डिमांड को लेकर आंदोलन करता रहा है। रिजर्वेशन दे भी दिया गया बाय सक्सेसिव गवर्नमेंट, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की। कई बार ये रिजर्वेशन दिया गया, कानून लाए गए उसके लिए, लेकिन फिर भी अभी तक ये समाज आंदोलनरत क्यों है स्टिल नवंबर 2020। इसके पीछे के कारण मैं आपको समझाऊंगा, इसकी पूरी टाइमलाइन हम जानेंगे इस गुर्जर आंदोलन की। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं और मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको आपको अगेन सर्च करना है इसी आईडी से, महिपाल राठौड़ नाम से। 1 नवंबर 2020 से राजस्थान के गुर्जर समुदाय के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं रिजर्वेशन के लिए। उनका ये कहना है कि जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास एमबीसी के तहत उन्हें जो रिजर्वेशन प्रॉमिस किया गया था वो उन्हें दे दिया जाए। तो ये डिमांड वैसे बहुत पुरानी है और पहले भी कई बार इस तरह से पटरियों पर बैठकर प्रदर्शन कर चुका है गुर्जर समाज। और इससे होता क्या है, मेनली जो मेन मुंबई से दिल्ली का जो रेल रूट है वो ब्लॉक हो जाता है। अभी भी दिल्ली मुंबई का जो मेजॉरिटी ट्रेन्स हैं वो सब डाइवर्ट करी जा चुकी हैं। और पहले ये आंदोलन व्यापक स्तर पर हुए थे, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे शामिल हुए, लेकिन इस बार का जो प्रोटेस्ट है वो मे बी ड्यू टू कोविड-19 एक छोटे स्तर पर किया जा रहा है। जो गुर्जर लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो फिर हम इस प्रोटेस्ट को अगेन बड़ा कर सकते हैं। तो पहले ये प्रदर्शन हिंसक हो चुका है। शायद आप में से कुछ लोग जो पहले न्यूज़ को फॉलो करते हैं, 2007-8 में काफ़ी बड़े स्तर पर यह आंदोलन हुआ था, उसकी कुछ इमेजेस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उस समय हाईवेज को भी ब्लॉक किया गया था, रेल लाइंस को भी ब्लॉक किया गया था। और अभी भी ये जो दिल्ली से मुंबई की रेलवे लाइन है ये राजस्थान के इन ज़िलों से गुजरती है, जैसे दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, और ये ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर गुर्जर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो ईस्टर्न राजस्थान का जो ये एरिया है यहाँ पर गुर्जर आंदोलन का सबसे ज़्यादा असर रहता है हर बार, और अभी भी यही हो रहा है। अभी इंटरनेट सर्विसेज कई ज़िलों में बंद हैं, दिल्ली मुंबई रेल ट्रैक ब्लॉक्ड है और दौसा, करौली जैसे ज़िलों में पूरी तरह से बस सर्विसेज, जो स्टेट रोडवेज की बस होती हैं, वो बंद पड़ी हैं। इस आंदोलन के बैकग्राउंड और टाइमलाइन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टडी आईक्यू की बिग दिवाली सेल ऑन है और इस सेल के तहत हमारे सभी कोर्सेज पर, स्पेशली यूपीएससी प्री प्लस मेंस जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है उसके स्मार्ट कोर्स पर आपको 50% प्लस एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप दिवाली 10 कोड को यूज़ करते हैं। और ये कोड्स आपको यूज़ करने हैं स्टडी आईक्यू की ऐप पर। तो इससे पहले कि आप कोर्स को परचेस करें, कोड ज़रूर लगाएं दिवाली 10, और ये सेल 17 नवंबर तक जारी रहेगी। ये स्टडी आईक्यू की सबसे बड़ी सेल होती है, इसके बाद हमारी कोई भी मेजर सेल नहीं आने वाली है। अगर आप मुझसे हिस्ट्री या पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे जीएस के कोर्सेज भी परचेज कर सकते हैं और इन पर भी एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट इस वक्त अवेलेबल है। भारत के सभी राज्यों में रिजर्वेशन दिया जाता है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, यानी कि जहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब की आबादी ज़्यादा है वहां पर उसी अनुसार रिजर्वेशन दिया जाता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट राज्यों में शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्वेशन सबसे ज़्यादा है, वहां पर शेड्यूल्ड कास्ट रिजर्वेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन उत्तर भारत में अगर आप देखेंगे तो शेड्यूल्ड कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन थोड़ा ज़्यादा है परसेंटेज वाइज, क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं है। वेल, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में है, बट अगर आप दूसरे राज्य देखते हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वहां पर इतना ज़्यादा परसेंटेज नहीं है पॉपुलेशन का। तो जो रफली पॉपुलेशन के स्टैटिस्टिक्स हैं उसी अनुसार रिजर्वेशन दिया गया है। तो जैसे राजस्थान में 16% रिजर्वेशन है शेड्यूल्ड कास्ट को और 12% रिजर्वेशन है शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति को। 21% रिजर्वेशन दिया गया है अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी को, जिसमें बहुत सारी कम्युनिटीज़ या कास्ट शामिल हैं। राजस्थान में 91 कास्ट्स हैं जो ओबीसी में शामिल करी गई हैं, और 1% रिजर्वेशन है राजस्थान में मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी को। ये क्या है आपको आगे समझ में आ जाएगा। अब इस ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर कुछ इश्यूज उठने शुरू हुए थे 90 के दशक में। वैसे ओबीसी रिजर्वेशन आया ही 90s में था, और अभी राजस्थान में इस वक्त 91 कम्युनिटीज़ हैं जो इसके तहत एंटाइटल्ड हैं रिजर्वेशन के लिए। तो इसमें कौन सी कम्युनिटी, गुर्जर या गुर्जर समुदाय भी शामिल है। तो गुर्जर या गुर्जर कास्ट को भी रिजर्वेशन मिलता है, पहले से मिलता आया है अंडर ओबीसी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ओबीसी में ज़्यादातर जो रिजर्वेशन है, ऐसा दूसरे समुदाय कहते हैं कि वो कुछ 2 या 3 कम्युनिटीज़ हैं वही उसका फ़ायदा उठाती हैं। जैसे राजस्थान में जाट कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इस रिजर्वेशन का। अब ऐसा नहीं है कि बेनिफिट मिल रहा है तो सरकार दे रही है, नहीं, जाट कम्युनिटी में एजुकेशन लेवल थोड़ा सा हाई है कंपेयर टू अदर्स। दैट इज़ वाई जो भी नौकरियां हैं या एजुकेशन में इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन्स है वहां पर जाट कम्युनिटी का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगा इन दिस 21% रिजर्वेशन। अब इसके कारण दूसरे समुदायों को लगता है कि हमें पूरा बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है रिजर्वेशन का। तो इसी कारण से गुर्जर समुदाय ने ये डिमांड रखी कि हमें ओबीसी के बदले आप शेड्यूल्ड ट्राइब में रिजर्वेशन दीजिए। तो गुर्जर कम्युनिटी की मेन प्रॉब्लम ये थी कि
इकोनॉमिकली और एजुकेशनली हम काफी पिछड़े हुए हैं डिस्पाइट बीइंग इन द ओबीसी लिस्ट। तो गुर्जर समुदाय ने सबसे पहले अपनी डिमांड रखी कि हमें ओबीसी लिस्ट से निकालकर शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति कैटेगरी में शामिल किया जाए। लेकिन इसके कारण जो ऑलरेडी अनुसूचित जनजाति में राजस्थान में सबसे बड़ा समुदाय है, दैट इज द मीणा कम्युनिटी, उन्होंने कहा कि हम इससे खुश नहीं है। तो सरकार को लगा कि कहीं यहां से बैकलैश ना आए, तो ये डिमांड पूरी करनी सरकार ने ठीक नहीं समझी। तो जब पहली बार गुर्जर आंदोलन हुआ था 2007 में, तब ओरिजिनल डिमांड ये थी कि शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में रिजर्वेशन दिया जाए बजाय ओबीसी के। लेकिन जब ये डिमांड लगा गुर्जर समुदाय को कि पूरी नहीं हो सकती है, तो बाद में इन्होंने अपनी डिमांड को चेंज किया और ये कहा कि जो 21% ओबीसी का कोटा है उसको बाइफर्केट कर दिया जाए, यानी कि उसमें आबादी के अनुसार, आबादी के अनुपात के अनुसार सभी को रिजर्वेशन दिया जाए, कि जितना परसेंटेज जाट पॉपुलेशन का है उतना परसेंटेज उन्हें इस 21% में रिजर्वेशन दिया जाए और बाकी सबको भी दिया जाए। तो ये बाइफर्केशन का जो केस है ये अभी भी कोर्ट्स में चल रहा है। तो ये दोनों जो डिमांड है, इसके कारण प्रॉब्लम क्या है कि जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन में कम्युनिटीज हैं वो सरकार से नाराज हो सकती हैं। तो जैसे मीणा कम्युनिटी ने 2007-2008 में साफ कह दिया था कि शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, और जो बाइफर्केशन वाला है इसमें जाट कम्युनिटी को नुकसान होगा। तो अगेन जाट और मीणा दोनों ही बहुत बड़े वोट बैंक्स हैं राजस्थान में, तो कोई भी सरकार इनको नाराज करना नहीं चाहेगी। अब मैं बात करता हूं टाइमलाइन की गुर्जर रिजर्वेशन डिमांड्स की। 1977 में पहली बार गुर्जर कम्युनिटी ने रिजर्वेशन की डिमांड करी, उस समय भी डिमांड यही थी कि शेड्यूल ट्राइब में हमें रखा जाए। लेकिन तब सरकार ने ये पाया कि शेड्यूल ट्राइब के जो क्राइटेरियाज हैं जो केंद्र सरकार तय करती है उसमें गुर्जर फिट नहीं होते हैं, इसीलिए ये डिमांड रद्द कर दी गई। 99 तक ये डिमांड इतने बड़े व्यापक स्तर पर नहीं उठाई गई। 99 में फिर कुछ डिमांड्स उठी, तब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, उस समय सेंटर ने एक लेटर लिखकर राजस्थान से डेटा मांगा कि गुर्जर्स के बारे में आप डेटा भेजिए हमें, हम देखेंगे कि क्या इकोनॉमिकली और सोशली वो बैकवर्ड हैं, क्या वो शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस डिजर्व करते हैं। लेकिन उस पर कोई अमल नहीं किया गया। 2007 आते आते एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, उसके पीछे मेन रीजन ये था कि 2003 में जब राजस्थान में बीजेपी की गवर्नमेंट पावर में आई थी, तो उनका इलेक्शन प्रॉमिस था कि हम गुर्जर्स को 5% आरक्षण देंगे, ठीक है, ये प्रॉमिस था राजस्थान में वसुंधरा राजे का जब वो चीफ मिनिस्टर बनी थी। तो जब 2007 आया, 2008 में नया इलेक्शन आने वाला था, 2007 आते आते गुर्जर्स ने देखा कि रिजर्वेशन अभी तक दिया नहीं गया है, तो बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हुए, रेल लाइंस को और हाईवेज को रोका गया और यहाँ पर कुछ वायलेंस भी हुआ और इसमें 38 लोगों की जान चली गई। जो ये गुर्जर एजिटेशन है इसमें 38 लोग मारे गए इन पुलिस फायरिंग, कुछ पुलिस वालों की भी डेथ होती है। लेकिन यह आंदोलन सक्सेसफुल नहीं रहा। उस वक्त राजस्थान की जो गवर्नमेंट थी वसुंधरा राजे की, उन्होंने कहा कि हम एक कमेटी बिठाएंगे, कमेटी डिसाइड करेगी क्या होगा, और इसके बाद यह आंदोलन वापस ले लिया गया। 2008 में फिर से गुर्जर आंदोलन शुरू होता है, अगेन गर्मी के महीनों में मई जून में फिर से प्रोटेस्ट हुए, रेल लाइनों को ब्लॉक किया गया। इस 2008 के प्रोटेस्ट में भी 42 लोग मारे गए। तो ये दो सबसे बड़े गुर्जर आंदोलन थे जहां पर हिंसा भी हुई, कई लोग मारे भी गए। इस आंदोलन में गुर्जरों के सबसे इंपॉर्टेंट लीडर थे कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला, जो अभी भी लीडर हैं। तो कर्नल बैसला ही इस पूरे प्रोटेस्ट का एक तरह से चेहरा बन गए। आज भी आप कई बार न्यूज़ पे इनका ये फेमस रेड साफा और वाइट कुर्ता देख सकते हैं, ही इज़ ऑलवेज देयर इन द प्रोटेस्ट। और 2008 का जो ये आंदोलन था इसमें गुर्जर समुदाय को सफलता मिली, क्योंकि वसुंधरा राजे सरकार ये मान गई कि हाँ हम 5% रिजर्वेशन दे देंगे। तो स्पेशल बैकवर्ड कास्ट नाम की एक अलग कैटेगरी बनाई गई SBC, और इसमें 5 समुदाय को रखा गया, 5 कम्युनिटीज़ को, गुज्जर, बंजारा, गाड़िया लोहार या गाड़ोलिया लोहार और रायका, जिसमें रेबारी, देवासी ये सभी नाम होते हैं। तो ये 5 कम्युनिटीज़ हैं जिनको SBC स्पेशल बैकवर्ड कास्ट की कैटेगरी में रखा गया और 5% रिजर्वेशन दिया गया एक कानून पास करके राजस्थान की स्टेट असेंबली में। और इस कानून के पास करते समय वसुंधरा राजे सरकार ने एक और रिजर्वेशन दे दिया, अपर कास्ट में जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं उन्हें EBC के तहत 14% आरक्षण दे दिया। तो राजस्थान में जो आरक्षण पहले 49% पर था वो अब बढ़कर हो चुका था 68%। और आप जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक सीलिंग है, 50% से ज्यादा आरक्षण हो नहीं सकता। आपको मुझे कमेंट में बताना है कि वो किस केस के कारण नहीं हो सकता 50% से ज्यादा रिजर्वेशन। तो जैसे ही ये 50% से क्रॉस किया तो ऑब्वियस है हाई कोर्ट्स में इसे कैंसिल होना ही था। लेकिन ये रिजर्वेशन सरकार मान गई, सरकार ने दे दिया गवर्नमेंट जॉब में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। याद रखिए अभी यहाँ पर जो असेंबली इलेक्शंस हैं या फिर जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं दिया गया था, केवल गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। 2010 में राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार के इस 2008 के कानून को खारिज कर दिया, क्योंकि इसमें 50% से ज़्यादा सीलिंग क्रॉस हो रही थी, और उन्होंने कहा कि आप गुर्जर पर और डेटा इकट्ठा कीजिए।
तो सरकार ने डेटा इकट्ठा करने का काम शुरू किया। इसी बीच 2010 में भी एक प्रोटेस्ट होता है और उस वक्त जो सरकार थी वो थी कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। 2008 टू 2013 तक अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, ठीक है। राजस्थान में ऑल्टरनेट होता रहता है, पहले वसुंधरा राजे, फिर अशोक गहलोत, फिर से वसुंधरा राजे और अब फिर से अशोक गहलोत। इन्होंने, अशोक गहलोत की सरकार ने ये कहा कि चलो ठीक है 49% रिजर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 50 तो दे सकते हैं, तो हम अभी के लिए आपको 1% रिजर्वेशन दे देते हैं। 5 तो देखो हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन 1% रिजर्वेशन देना हमें लीगली अलाउड है, कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड है, तो हम 50% का ये पूरा यूटिलाइजेशन कर लेते हैं और 1% रिजर्वेशन दे देते हैं। नवंबर 2012 में राजस्थान स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, जो जस्टिस आईएएस इसरानी के तहत बनाया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और उन्होंने कहा कि गुर्जर्स को स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस के तहत रिजर्वेशन देना चाहिए और अशोक गहलोत सरकार ने उन्हें ये 5% रिजर्वेशन देने के लिए फिर से एक ऑर्डर पास कर दिया 30 नवंबर 2012 को। और 2015 में जब फिर से वसुंधरा राजे गवर्नमेंट आ चुकी थी, उन्होंने इस ऑर्डर को एक लीगल बैकिंग देने के लिए एक कानून पास किया, स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन एक्ट 2015, क्योंकि ये तो केवल एक ऑर्डर था, ये कानून नहीं था, यहाँ पर एक कानून पास किया गया। लेकिन इन सभी को राजस्थान हाईकोर्ट ने दिसंबर 2016 में फिर से कैंसिल कर दिया, क्वैश कर दिया। इस बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसे भी खारिज कर दिया, बोला कि उसमें पूरा डेटा नहीं है और उसके बेसिस पर जो ये कानून बनाया गया था इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। अब 2017 में राजस्थान सरकार ने क्या किया, एक नए तरीके से रिजर्वेशन देने की कोशिश करी। इन्होंने क्या किया कि पुराना कानून रिजेक्ट हो गया था SBC के तहत, तो अब एक नई कैटेगरी बनाई गई मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, जिसको अब कहा गया MBC। तो 2017 में एक नया कानून पास होता है और MBC कैटेगरी कहकर फिर से उन्हीं 5 कम्युनिटीज को आरक्षण दे दिया जाता है, ठीक है। तो पहले हाईकोर्ट ने क्या कहा था कि ये स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस है ही नहीं, तो अब इन्हें कहा गया कि ये मोस्ट बैकवर्ड क्लास हैं और इस तरह से ये एक नया रिजर्वेशन देने की कोशिश करी गई। तो 49+5 अब फिर से 54% रिजर्वेशन हो गया था और क्योंकि इसको कोर्ट में चैलेंज होना तय था तो 1% रिजर्वेशन तो जारी रखा, फिर से मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी कहकर MBC नाम बदल के 1% रिजर्वेशन दे दिया गया गुर्जर कम्युनिटी को। लेकिन ये कानून भी कोर्ट में चैलेंज हुआ तो सरकार ने 2018 में, जब वसुंधरा राजे सरकार का कार्यकाल पूरा ही होने वाला था, नवंबर में चुनाव थे, उससे जस्ट पहले सरकार ने कोशिश करी कि ओबीसी का जो कोटा है वहां से गुर्जर्स को रिजर्वेशन ज्यादा दे दिया जाए। तो जो गुर्जर रिजर्वेशन की डिमांड थी 5% की, उसको ऐसे पूरा करने की सोची कि 21% ओबीसी का रिजर्वेशन होता है उसको बढ़ाकर 26% कर देते हैं। तो ये बिल पास किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा और जो 1% रिजर्वेशन है उसे भी अप्रूव कर दिया गया। अब ये फिर से अप्रूव हो रहा है क्योंकि कोर्ट ने उसे फिर से रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन इसमें भी कानूनी दांव पेच है, अगेन कोर्ट्स में ये चैलेंज होता है और ये अप्लाई नहीं हो पाया। ये जो नौकरियों की भर्तियां आ रही थी उस वक्त उसमें ये दिया नहीं जा रहा था, इसीलिए जब नई सरकार बनती, अशोक गहलोत फिर से मुख्यमंत्री बन गए दिसंबर 2018 में, और जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने 2 महीने बाद गुर्जर कम्युनिटी फिर से सड़कों पर उतर आई, प्रोटेस्ट करने लगी इस नई अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ कि जो आपका भी प्रॉमिस था हमें रिजर्वेशन देने का उसे पूरा किया जाए। अशोक गहलोत सरकार ने समुदाय की मांग को मानते हुए फिर से एक नया कानून पास किया राजस्थान की स्टेट असेंबली में। इसका लंबा चौड़ा ये नाम है जो आप यहाँ पर पॉज करके पढ़ सकते हैं। और इसमें क्या किया गया कि रिजर्वेशन जो 1% ऑलरेडी MBC को मिला हुआ था उसे बढ़ाकर 5% कर दिया गया, लेकिन ये अगेन कोर्ट में चैलेंज हुआ। तो अब गुर्जर समुदाय की डिमांड क्या है, उनका ये कहना है कि बार बार ये कोर्ट में चैलेंज होता है रिजर्वेशन, तो इससे बचने का एक ही उपाय है। आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि 9th शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें अगर कोई कानून रख दिया जाता है तो वो कोर्ट्स के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता, कोर्ट उसे खारिज नहीं कर सकते। तो अभी गुर्जर समुदाय की डिमांड ये है कि 5% रिजर्वेशन को 9th शेड्यूल में डाला जाए, इसीलिए वो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं 2020 में। और जो पिछली भर्तियां हैं जहां पर ये 5% रिजर्वेशन नहीं दिया गया था, वहां पर जो बैकलॉग्स हैं उनको कंप्लीट किया जाए। अब राजस्थान गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई हमारा काम था कानून पास करना, हमने कर दिया। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 9th शेड्यूल में, 9वीं अनुसूची में इस कानून को डाला जाए। और इसके लिए हम केंद्र सरकार को 2 चिट्ठियां लिख चुके हैं, 2019 में भी लिखी थी, 2020 में भी अभी फिर से लिखी है। तो हमारी तरफ से जो बन पड़ता है हमने किया है, राजस्थान गवर्नमेंट ये कह रही है, और गुर्जर कम्युनिटी को अब प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, ये राजस्थान गवर्नमेंट की इस वक्त पोजिशन है। तो आप आई होप समझ गए होंगे कि पूरा मामला क्या है। रिजर्वेशन दिया जा चुका है लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं होता, इसलिए रिजेक्ट हो जाता है कोर्ट्स में और अब उसे 9th शेड्यूल में डालने की डिमांड करी रही है। अब केंद्र में प्रॉब्लम यह है कि ये सारी लिस्ट केवल पार्लियामेंट के द्वारा चेंज करी जा सकती है। आर्टिकल 342A क्या कहता है कि सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट कौन सी है ये कौन तय करेगा, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति वही करते हैं जो केंद्र सरकार कहती है। तो कंसल्टेशन यहां पर स्टेट से जरूर लिया जाता है लेकिन
फाइनल अथॉरिटी इज ऑफ द प्रेसिडेंट और इन लिस्ट को मॉडिफाई करने का अधिकार केवल पार्लियामेंट के पास है। तो इसीलिए अभी गेंद केंद्र सरकार के पाले में है, लेकिन यहाँ पर मैटर इतना सिंपल नहीं है, इसमें थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी है। क्योंकि देखिए, गुर्जर आंदोलन जब शुरू हुआ था उस समय वो एकजुट था, लेकिन उसके बाद उसमें कई फैक्शंस आ गए। अब अभी एक बहुत बड़ा फैक्शन है गुर्जर समुदाय का, विच इज़ लेड बाय हिम्मत सिंह गुर्जर, ये एक और नेता हैं। ये कहते हैं कि कर्नल बैसला जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका कोई मकसद नहीं है, क्योंकि रिजर्वेशन ऑलरेडी मिल चुका है, अब सारा प्रेशर तो केंद्र सरकार पर होना चाहिए। उनका ये कहना है कि ये कर्नल बैसला से प्रोटेस्ट करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि कर्नल बैसला ने 2019 में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। तो जो सामने वाला फैक्शन है उसका ये कहना है कि आप बीजेपी में हैं तो आप बीजेपी सरकार को कहिए कि ये रिजर्वेशन का जो काम है ये किया जाए। और इसके कारण अब यहाँ पर थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल भी शामिल हो चुका है। लेकिन जो हम एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि रिजर्वेशन की डिमांड होती क्यों है, तो उसके बेसिकली दो रीजंस हैं। देखिए, इंडिया में, भारत के समाज में हर समुदाय यही चाहता है कि उसे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले और उसे प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंटेशन मिले, यानी कि उसके एमएलए एमपी बने और उसके आईएएस आईपीएस बने। दोनों ही तरीकों में अगर रिजर्वेशन है तो एक तो आपको रिजर्व सीट मिल जाएगी, तो मान लो अगर 5% रिजर्व सीट मिल जाती हैं, जो कि अभी रिजर्वेशन में नहीं दी गई है, केवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और नौकरियों में रिजर्वेशन दिया गया है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन मान लो अगर भविष्य में वो मिल जाता है तो 5% का मतलब है राजस्थान की स्टेट असेंबली में 10 सीटों पर गुर्जर समुदाय के नेता चुनकर जाएंगे, ये तय हो जाएगा, ये गारंटीड है। और दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन में आपका रिप्रेजेंटेशन रहेगा, ये भी अश्योर्ड है, क्योंकि आपके ऑफिसर्स 5% सीट्स पर तो सिलेक्ट होंगे ही होंगे। और हर समुदाय यही चाहता है कि हमारे लोग प्रशासन में और पॉलिटिक्स में रहें, क्योंकि सारा सोर्स ऑफ पावर, जो भारत के अंदर हम जिसे पावर कहते हैं, वो यहीं से आता है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।